श्री दुर्गयाना तीर्थ कमेटी के चुनाव 24 जुलाई को होने हैं। कई सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि इस बार वोटिंग के जरिए प्रधान चुना जाएगा। इसी को लेकर भाजपा की नेता और पूर्व सेहत मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला ने भी अपना नामांकन पत्र भरा है। आपको बता दें कि पहली बार श्री दुर्गयाना तीर्थ कमेटी की प्रधानगी के लिए किसी महिला ने अपना नामांकन भरा है और यदि वह प्रधान बनती हैं तो ये भी इतिहास होगा कि पहली बार श्री दुर्गयाना कमेटी की प्रधान एक महिला होंगी। इसके अलावा उनके सामने हैं पूर्व जो मौजूदा प्रधान हैं रमेश शर्मा, उन्होंने भी अपना नामांकन भरा है, और भाजपा के नेता हैं संजीव खन्ना जो कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन प्रधानगी के लिए भरा है। इसके अलावा और भी 3-4 नाम प्रधानगी के लिए आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भाजपा के 2 दिग्गज नेता पहली बार आमने सामने हो रहे हैं, प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला और संजीव खन्ना। ऐसी भी चर्चा चल रही है कि कुछ दिनों बाद दोनों में से किसी एक के नाम पर सहमति बनेगी तो दूसरे को अपना नामांकन वापस लेना होगा। इसी दौरान प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला का कहना है कि यदि उन्हें प्रधान बनने का मौका मिलता है तो यह भक्ति और शक्ति का केंद्र बनेगा, पूरे देश से यहां पर लोग नमन करने के लिए आया करेंगे। उनके साथ नॉर्थ विधानसभा हल्के से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह भी मौजूद थे। देखो, श्री दुर्गयाना तीर्थ कमेटी अमृतसर का चुनाव इस पर बहुत वर्षों के बाद हो रहा है। कोरोना के कारण 2 वर्ष लेट हो गया। कोई टाइम था यहाँ महिलाओं के लिए कोई भी प्रवेश नहीं था। अब जो आज की दुर्गयाना कमेटी के सदस्य हैं, अमृतसर के लोग हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए मुझे नामांकित किया है। तो मैं अपने सारे समाज को ये विश्वास दिलाती हूँ कि दुर्गयाना मंदिर अगर मुझे शहर वाले सेवा का अवसर देते हैं, बजरंग बली देते हैं, तो ये भक्ति और शक्ति का केंद्र बनेगा। यहाँ हर गरीब की सेवा होगी, जिसको शिक्षा चाहिए शिक्षा मिलेगी, जिसको रोटी चाहिए रोटी मिलेगी, और यहाँ बिना किसी भिन्न भेद के सारे हिंदुस्तान के सब लोग आएंगे और सबको ऐसा लगेगा कि दुर्गयाना तीर्थ सबका तीर्थ है और सबका यहाँ स्वागत है। यहाँ केवल भक्ति नहीं, शक्ति भी होगी। शक्ति वो होगी जो समाज के हित के लिए है, गरीब के हित के लिए है, कमजोर के हित के लिए है। मैंने पहले यही बताया है कि दुर्गयाना केंद्र शक्ति और भक्ति का केंद्र बने और यहाँ से पूरे समाज की सेवा हो। पूरे हिंदुस्तान में इस तीर्थ का महत्व है जो फैले और लोग दूर दूर से यहाँ आए। आने के बाद उनको ये लगे कि ये तीर्थ उनके लिए है। पहले जो दुर्गयाना कमेटी रही है उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन इसको और भी आगे लेके जाना है। हमने अध्यक्ष पद के लिए श्री दुर्गयाना तीर्थ कमेटी के महासचिव अरुण खन्ना का कहना है कि पहले हाथ उठाकर ही प्रधान चुन लिया जाता था, लोग इसमें भाग नहीं लेते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि वोटिंग के जरिए दुर्गयाना कमेटी का प्रधान चुना जाएगा। ये भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। श्री दुर्गयाना कमेटी दे इतिहास दे विच पहले सिर्फ हाथ खड़े करके ही चुनाव होते सी। वो जमाना वो होर सी। अज लोग पढ़े लिखे हो गए, नौजवान पीढ़ी पढ़ी लिखी हो गई, दुनिया च देखते हो कितना रेवोल्यूशन हो रहा है, और अज ट्रांसपेरेंसी का युग है, डेमोक्रेसी का युग है। जिन्या भी जरिया मुल्कां दे विच भी तानाशाहियां सीगियां, डिक्टेटरशिप सी, सब उड़ गई, तो ही बेहतर जानते हो। और असी भी एक ख्याल किया कि पिछले जिन्हें भी जरा सारा सर्वे कढ़िया कि बई जिहड़ी पिछले सारे जनरल हाउस के जिहड़े चुनाव होंदे सी उहदे च कितने लोग आते सी, ते कोरम तो थोड़े ज़्यादा 1-2% 5% ज़्यादा, तो भाई बाकी जिहड़े लोग है वह क्यों नहीं पार्टीसपेट कर रहे। तो उहदा जिसले असी सर्वे कराया तो उहदे विच ध्यान च आया जी, वह हुंदा है ते करे तुसीं आपस दे विच फैसला तो किया ही हुंदा, तो असी अपना टाइम खराब करके क्यों आना। यानी वह फिर सानू एडा झटका लगा कि भाई जिहड़ा एक साडा साधारण सदस्य है जिहड़ा भगती नाल मंदिर नाल जुड़िया है, उहनू मन दा उद्गार प्रकट करन दा कोई मौका नहीं। मिसाल दे तौर ते तुसीं सारे मेरे नाल प्यार कर दे हो, मेरे नाल मेरे सामने हाथ खड़ा तो मेरे हक च करोगे, रिलेशन तो कोई बिगाड़ेगा नहीं। लेकिन अगर तुसीं मैनू पसंद नहीं करते
तो बैलेट इज़ द बेस्ट वे कि तुसी मेरे खिलाफ उत्थे बैलेट ते मोर ला सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट अटैम्प्ट टू क्रिएट द फीलिंग्स ऑफ द जनरल मैंबरस। हूँ तो ऐसा विजन रहेगा, पहला भी जरा सी पहला जरा काम किया पहले पिछले टेनवर जो ठाकुर जी ने कराया मैं नहीं किया ना मैं करन जोगा, मैं तो दसवीं पास हूँ पर बंदा इतने बहता तुसी जो करने कारण प्रभु है। उन्हां दी प्रेरणा नाल साथियों के सहयोग नाल बजुर्गों के आशीर्वाद नाल गाइडेंस नाल जेड़े परिवार पुराने सारे टुट गए सी उन्हां दी पीढ़ियाँ दुर्गाने तो दूर हो गई सी वो सारिया लब लब के वापस जोड़िया, ये साड़ी बड़ी वड्डी अचीवमेंट है। नंबर दो ते यंगस्टर जुड़े अज 30,000 लोगों नू रोज़ दर्शन विद खाली दर्शन नहीं लोग सनातन ना जुड़े। अज शुक्रवार है, अज शुक्रवार का महात्म क्या है, संतोषी माता कौन है बच्चे नू दसना पेगा। पहले जिहड़ियां दादियां नानियां नाने दादे करदे सी वो अज प्रथा मुक गई, वो असी रोज़ 10 लाइन दे नाल भेजने हैं और मैनू खुशी है उस मालक ने बहुत कृपा की कि ठाकुर जी ने बहुत मैनू अज मेरे को गलती हो गई 8 जून लिखा गया 8 जुलाई की जगह, कम से कम 50 नौजवानों ने मैनू वापस किया भाजी 8 जुलाई है तुसी जून लिखता है, यदा मतलब है कि वो पढ़ते ने उन्हों जागृत में। दिस इज़ द साइन, ये जिहड़ी चीज़ा है। एक नंबर दो साडा थीम है नर सेवा नारायण सेवा। साढ़े संतोष जी बैठे है बहुत पुराने थे वाइस प्रेजिडेंट भी रहे भिन्न भिन्न संस्थावां दे भी है, इन्हों का भी सानू एक मत कि भी जिहड़ा समाज तुहानू पैसा देंदा है इसनू सेवा दे रूप च समाज नू वापस करो। तुसी जे समाज नू वापस नहीं करो क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा हर नर दे विच नारायण बैठे है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है तो नारायण जी की सेवा ना की तो कोई अर्थ नहीं। असी ज़्यादा तो ज़्यादा नौजवान जी है पीढ़ी नू जोड़ांगे और साडा प्रयास रहेगा और ठाकुर जी अगे अरदास है असी करन जोगे कुछ नहीं ना साडे च ताकत है कि इस दुर्ग्याना नू भक्ति और शक्ति का केंद्र बन जाए साडे जीवन दे विच, इन्ना ही उन्होंने चरणों च अरदास है। और मैं तुहाडे माध्यम नाल जिन्ने भी अपने साधारण जिहड़े जनरल मैंबर ने उन्होंने बेनती करदा ये मौका है कि उन्होंने अपने मन के भाव जागृत करन दा अपना वोट जरूर पान आन जिन्हों मर्जी पान लेकिन पान अपना वोट पोल करन यही जागृति का हो रहा है। जिहड़ा वोटर है वो दुर्गियाना का जनरल मैंबर है, जनरल मैंबर असी मैंबरशिप जिहड़ी है साडी 2015 तो पहले हो चुकी हुई है, इस टेनवर दे विच 2015 तो बाद कोई मैंबरशिप खुली नहीं, वो जिहड़े बने है उन्हां दे ड्यूज जिन्हां दे पूरे हो गए उही वोट पा सकनगे। विच कई शरारता करते हैं कई तरह की अफवाहों ते ध्यान नहीं देना कि जी फार्म भराओ तुहानूं असी मैंबर हो गया, ऐसा कोई मैंबर नूं पान नहीं दिता जाएगा, एवें बाद दे विच बेइज्जती महसूस ना करे क्योंकि उहदी लिस्ट जारी हो चुकी है, फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है और इलैक्शन कमीशन की सख्त हदायतों के मुताबिक असी कम कर रहे हैं। इस करके वो ही लोग जिहड़े है वोट पाने के अधिकारी होंगे जिहड़े 2015 तो पहले जदों खुली सी क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट एक वे है वो जिहड़ी होई सी उस उसके मुताबिक ही होए। 1530 टोटल मैंबरशिप है जिदे जो लगभग 256 के 260 लोग डैथ हो चुकी है और लगभग 150 के करीब 150 के लगभग है जिहड़े शिफ्ट हो चुके अमृतसर छड्ड के चले गए, हुण बाकी जिहड़े है बचणगे वो करनगे। ऐसा हैगा कि इहदी प्रक्रिया हैगी असीं असीं अखबार च कढ़ने आ असीं जनरल उस फिक्स करने आ फिर वह एक राशि तय करने हैं फिर वह सालाना तय करके फिर अखबार च कढ़िया जाता है। अखबार च कढ़न तो मतलब ये कोई लुका के करन वाली चीज़ नहीं है, इनू अखबार के सारे अखबारों के दिता जाता है कि जिन्हें बनना वो बने वो सनातन होना चाहिए और जरा पूरा भक्ति भाव वाला होना चाहिए है, शराबी गुआबी ना हो और ऐसे लोग जड़े ने वो कोई भी मैंबर कर सकता कोई भी हिंदू मैंबर कर सकता। इलैक्शन कमीशन के हवाले जो सानू सूचना दी उन्होंने कि 24 जुलाई में सवेरे 10 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक
ये जी पोलिंग रहेगी और उस दिन ही नतीजा आएगा। ठीक है।